सो आई गेस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर्च में। सो गाइस आज को हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोन चाहिए, अगर आपको लोन रिक्वायर्ड है तो दोस्तों आप यहां पे यम पॉकेट एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। सो दोस्तों लोन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है। सो दोस्तों अगर आप लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं इस एप्लीकेशन से तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना। ओपन करने के बाद में आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में गाइस आप इसका यहाँ पे रेटिंग भी चेक कर सकते हैं, इसका रेटिंग कितना है 4.4 का रेटिंग है। और गाइस इसका डाउनलोड भी आप चेक कर सकते हैं, 1 करोड़ प्लस डाउनलोड, मतलब दोस्तों 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हैं, डाउनलोड करके रखे हुए हैं। अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद में आपको ओपन पे क्लिक करना है। सो दोस्तों जैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस तरीके से ओपन करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपको आई एक्सेप्ट परमिशन टर्म एंड कंडीशन इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे गूगल का ऑप्शन आएगा। सो दोस्तों आपको लॉगिन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या गूगल अकाउंट से आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर हम सेलेक्ट करेंगे। सो फाइनली दोस्तों हम जैसे मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। हेलो देयर, इंटर योर मोबाइल नंबर। तो दोस्तों अब आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना है और नीचे कैसे यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिला तो आपको सेंड ओटीपी क्लिक करना है। सो दोस्तों जैसे यहाँ से अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर ओटीपी डाल देंगे उसके बाद में सब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। सेलेक्ट योर करेक्ट एड्रेस, यहाँ पे करंट एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट और गैस यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय और गैस यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन है तो ओपन होकर के आ जाएगा। सो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट है तब भी लोन के अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप एक सैलरीड मतलब एम्प्लॉय है तब भी लोन के अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है तब भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों तीन में से आपको कोई भी एक ऑप्शन चूज करना, चूज करने के बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में सब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ग्रेट, हाउ डू यू यहाँ पे रिसीव योर इनकम। सो दोस्तों आप जो जॉब कर रहे हैं, आप अपना जो पैसा है अपने बैंक अकाउंट में ले रहे हैं गैस या कैश या चेक ले रहे हैं। सो दोस्तों अगर आपके बैंक में डायरेक्टली आ रहा है तो बैंक सेलेक्ट करना है, नहीं तो दोस्तों अगर आपको कैश मिल रहा है या चेक मिला है तो आपको चेक या कैश आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ से अपना लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा कि दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप किस लैंग्वेज में यूज करना चाहते हैं, क्योंकि गैस लोन के रिक्वायर्डिंग आपके पास कॉल भी आ सकता है कि आप मतलब किस लैंग्वेज में आप बात करना चाह रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपना लैंग्वेज चूज करना। लैंग्वेज चूज करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आप इस तरीके से परमिशन मांगे, एप्लीकेशन में परमिशन मांगे तो दोस्तों आपको एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में सब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे टोटल क्रेडिट लिमिट आपका दिखाएगा, यहाँ पे 500 से लेकर के 10,000 रुपए आपका लिमिट दिखाएगा और यहाँ पे अनअवेलेबल क्रेडिट लिमिट दिखाएगा। सो दोस्तों अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको नीचे यहाँ पे अमाउंट यू वांट टू यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन लगेगा तो आपको सेलेक्ट लोन अमाउंट पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने यहाँ पे जैसे दोस्तों आप यहाँ से सेलेक्ट लोन अमाउंट पे क्लिक कर देंगे तो अब आपके सामने यहाँ पे लोन अमाउंट इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। 501,000 रुपए इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जितना अप्लाई करना चाह रहे हैं आपको उतना पैसा चूज करना है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर 1,000 रुपए अप्लाई करना चाह रहे हैं, 1,000 रुपए टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में आप इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा तो आपको फिर से सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। उसके बाद में अब आपका पूरा डिटेल यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा कि दोस्तों आप 1,000 का लोन ले रहे हैं तो कितने दिन के लिए ले रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। टोटल आपका जो लोन है अमाउंट है 1,000 रुपए है और यहाँ पे चार्ज आपको कितना देना पड़ेगा दोस्तों, आपको 40 रुपए देना पड़ेगा और आपका टोटल जो आपको ईएमआई जो पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे पेपाल करना पड़ेगा आपको 1,076 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब आपको सिंपली लोन अप्लाई करने के लिए आपको रिक्वेस्ट लोन पे क्लिक करना। उसके बाद में सब आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। सो दोस्तों अब आपको यहाँ से अपने प्रोफाइल को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा तो आपको कंप्लीट पे क्लिक करना। उसके बाद में सब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे अप्रूव्ड लोन अमाउंट, यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन, बेसिक वेरिफिकेशन और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इन्फो और जैसे यहाँ पे सेल्फी वीडियो वेरिफिकेशन। तो दोस्तों आपका 4 स्टेप में वेरिफिकेशन होगा तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको केवाईसी वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा तो आपको इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में सब आपके सामने इस तरीके से आपका डिटेल ओपन होकर के आ जाएगा। सो दोस्तों अगर आप अपना केवाईसी वेरिफिकेशन करेंगे आधार कार्ड के थ्रू तो आपको यहाँ से आधार नंबर चूज करना है, मतलब आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज करना है और अब ऊपर आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद में अब आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद में वेरीफाई ओटीपी क्लिक करना है।
और आपको दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं आपको अपने आधार कार्ड का बैक और फ्रंट का फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। इस तरीके से सब आपके सामने ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। आपको अपना आधार नंबर डालना, डालने के बाद में तो अब आपका यहाँ पे आपका जो यहाँ पे पहला स्टेप का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, केवाईसी वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपके सामने पे बेसिक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ गया। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, उसके बाद में आपको यहाँ पे जेंडर क्या है, आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या है और गैस आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। उसके बाद में आपको अपने फादर्स का नाम, मदर्स का नेम डालने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपका पहला और दूसरा स्टेप डन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे इंप्लॉयमेंट इन्फो पे आना है। इस पे क्लिक करने के बाद में जब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे आपको अपने कंपनी का नेम डालना है। सो दोस्तों आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं अपने कंपनी का नेम डालना है। उसके बाद में आपको अपना ऑफिस एड्रेस आपको दे देना है। उसके बाद में आपको पिन कोड देना है। उसके बाद में आपका वर्क ऑफ टाइम, मतलब दोस्तों आपका कौन सा मतलब वर्क है, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, आप टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको टाइप कर देना कि दोस्तों आपको कितने साल से एक्सपीरियंस है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद में अब आपके पास चौथा स्टेप ओपन होकर के आ जाएगा, सेल्फी वीडियो वेरिफिकेशन। सो दोस्तों अब आपको अपना सेल्फी वीडियो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे दोस्तों अपना सेल्फी वीडियो वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट करना। कंप्लीट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा एंड चौथा आपने डन हो चुका है। केवाईसी वेरिफिकेशन डन हो चुका है और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी डन हो चुका है। इंप्लॉयमेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी डन हो चुका है और यहाँ पे सेल्फी वीडियो भी यहाँ पे वेरिफिकेशन डन हो चुका है। अब दोस्तों अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विद इन 24 घंटे तक वेट करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आपका लोन अप्रूव होगा तो आपके बैंक अकाउंट में आपको जो पैसा है क्रेडिट कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से आप अपने यहाँ पे एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको लोन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हो रही है तो डायरेक्टली आप मुझसे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।